हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेत्र जांच और कोविड अवेयरनेस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे जिले के 16,500 हस्तशिल्पी। कमजोर नजर वालों को चश्मे प्रदान होंगे। विजन स्प्रिंग इंडिया व हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली के सहयोग से ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान द्वारा बाड़मेर जिले में 16,500 हस्तशिल्पियों को आई स्कैनिंग। विजन स्प्रिंग इंडिया व हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली के सहयोग से ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान द्वारा बाड़मेर जिले में 16,500 हस्तशिल्पियों को आई स्क्रीनिंग और कोविड अवेयरनेस कार्यक्रम से लाभान्वित किया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान की अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर रूमा देवी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में दूर दराज ठानियों में रहने वाली माताओं एवं बहनों की आँखें समय के साथ कमजोर होती जाती है, जिससे इनको खेती पशुपालन व घरेलू कुटीर उद्योग जैसे काम करने में बहुत दिक्कत होती है। संस्थान द्वारा प्रारंभिक सर्वे के आधार पर 100 गांवों को 16,500 माताओं एवं बहनों को इस कार्यक्रम से लाभान्वित किया जाएगा। रूमा देवी ने बताया कि लगभग एक महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में गांव की बहनें सामाजिक कार्यकर्ता व स्वयं सेवक के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। विजन स्प्रिंग इंडिया टीम ने बताया कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा आंखों की टेस्टिंग करके चश्मा प्रदान किया जाएगा एवं मोतियाबिंद या अन्य समस्या होने पर इलाज हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे। आंखों की टेस्टिंग के साथ ही आवश्यक नंबर का चश्मा प्राप्त होने से महिलाएं हस्तशिल्प, खेती, पशुपालन आदि कार्य सरलता और सुगमता से कर पाएंगे। EPCH के जनरल डायरेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना से बचाव हेतु जरूरी सभी सावधानियों का पालन किया जाएगा एवं लाभान्वित को हाथ धोना, मास्क के प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, सामाजिक दूरी रखना आदि के बारे में जागरूक किया जाएगा। संस्थान सचिव विक्रम सिंह ने बताया कि आई स्क्रीनिंग के दौरान मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग आदि कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रहेगा। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।